मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वह तो नहीं हुए, फिलहाल उसके रिजल्ट से लेकर कुछ अफरा तफरी मची हुई है। वह आखिर किस स्कीम पर यानी कि किस फार्मूले पर आपका रिजल्ट निकाला जाए, इसके बारे में बातें जो हो रही हैं। बहुत ज़्यादा भारत में कमेटी वगैरह भी बैठाई जा रही हैं CBSE बोर्ड द्वारा और अन्य बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड है, इसके लिए भी एक अलग से कमेटी बैठाई जा रही है कि आपकी जो रिजल्ट है आखिर किस फार्मूले पर अनाउंसमेंट होना चाहिए उसका, यानी कि किस फार्मूले पर आपका जो रिजल्ट बनेगा, मार्कशीट बनेगी, किस फार्मूले पर आना चाहिए। आखिर बच्चों को ग्रेड सिस्टम से पास किया जाना चाहिए या फिर जो 12 वाले बच्चे हैं उनको 10th बोर्ड के मार्कशीट, मतलब 10th वाला जो उनका पेपर हुआ था उसके मार्कशीट के आधार पर नंबर दिया जाना चाहिए। अगर 10th के आधार पर नंबर दिया जाता है तो हो सकता है बीच में 2 साल में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं बच्चों के अंदर, हो सकता है वह काफ़ी ज़्यादा अपने में सुधार कर लिया हो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो कि 10th में हमारा ख़राब नंबर आया था और 12 में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, लगभग 80% लाएंगे, जिससे कि हमारे आने वाली भविष्य जो होगी अच्छी हो सकती है। तो ये सब सारी चर्चाएँ वह 12 जो कमेटी है 12 सदस्यों की उसके आधार पर किया जाएगा और बहुत जल्द बताया जा रहा है 3 हफ्ते, अगले 3 से 4 हफ्ते में आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और यह ऑफिशियल न्यूज़ है, यहाँ से आपको लिया गया है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, ध्यान से देखिए। हम इसमें और कुछ देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द जनरल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE हैड कैंसिल्ड बोथ क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम 2021 ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक, ये तो सबको पता है जो कि कैंसिल हो गया है। और इस पर आपके रिजल्ट के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं और त्रिपाठी जी जो आपके हेड हैं CBSE के, उन्होंने बताया है सारी चीज़ें। रिप्लाइंग टू क्वेरी रिलेटेड टू द डेट ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ CBSE क्लास 10th और 12th एग्जाम 2021 रिजल्ट, इसके बारे में त्रिपाठी जी बोल रहे हैं द क्राइटेरिया हैव नॉट बीन डिसाइडेड एट, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डिसाइडेड अभी नहीं है, लेकिन यह डिसाइड जरूर हो गया है, दिस विल टेक 2 वीक्स, मतलब यह 2 वीक्स में डिसाइड कर लेंगे किस क्राइटेरिया पर इनको रिजल्ट देना चाहिए, ये बातें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। वंस द क्राइटेरिया आर डिसाइडेड डेट विल बी कैंसिल्ड कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्कूल्स अंडर द CBSE बोर्ड, जितने भी स्कूल्स आते हैं CBSE बोर्ड के अंदर उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए सब सेम होगा, एक चीज़ होगी, उसको इन्होंने क्या कर रहा है दोस्तों, मतलब दो हफ्ते आने वाले 2 हफ्ते में यह डिसाइड कर लेंगे किस क्राइटेरिया पर आपका रिजल्ट आना चाहिए। देम द असेसमेंट डाटा विल बी अपलोडेड, दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव अ डिफिनिट डेट एट बट एट लेट एज्यूम दैट द क्राइटेरिया विल बी सर्कुलेटेड इन 2 वीक्स, मतलब कि आपको पता है कि दोस्तों यह 5 मतलब कि कह लीजिए कि 4 से 5 हफ्ते में आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर देंगे और इनको ये डिसाइड नहीं किया गया है, यह डिसाइड नहीं किए हैं ये लोग कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, लेकिन यह डिसाइड जरूर हो गया है 2 से 3 वीक में आ जाएगा, यह बोल रहे हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि जो हमारा माइंड सेट है, जो हमारा माइंड सेट है, मतलब कि बच्चों की जो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो रिजल्ट के अनाउंसमेंट होने के बाद, तो इस वजह से यह कमेटी वगैरह बैठा रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों, पेपर तो नहीं होगा लेकिन रिजल्ट जो आएगा अच्छा ही आएगा आप लोग का, है ना। देखिए कैसे आता है, 5 थिंग्स टू नो अबाउट CBSE क्लास 10 और 12th बोर्ड 2021, मतलब कि 5 थिंग्स होंगे उसमें। पहला होगा, एज पर लेटेस्ट अपडेट द CBSE इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th स्टूडेंट नेक्स्ट वीक, इन दिस रिगार्डेड CBSE सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी हैड ऑन जून 2 को उन्होंने बोला है दोस्तों कि आपका जो है रिजल्ट फिक्स हो जाएगा कि कब आने वाला है ना, किस मेथड पर वो निकालेंगे ये बात या 2 जून को फिक्स कर देंगे। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे दोस्तों बीच बीच में, आप लोग बिल्कुल भी कह लीजिए अपने आप को मत कोसिए, आप लोग जिस भी जगह हैं हम समझ सकते हैं आप लोग की प्रॉब्लम्स, तो सारी चीज़ें आप लोग बियर करना थोड़ा सीख जाइए, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं सबके साथ हो रही हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे तेज हैं वो आगे अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं और जो बच्चे थोड़े से वीक हैं वो तो खुश ही होंगे भाई कि रिजल्ट आ जा रहा है, तो इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि आगे भी तो पढ़नी है, 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद छोड़ नहीं देना है ना। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मेहनत जरूर करेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आपकी जो रिजल्ट है दोस्तों अनाउंसमेंट हो गया है और 2 जून को यह पता चल जाएगा पहले कि आपका रिजल्ट जो बनेगा किस आधार पर बनेगा। ये यूपी बोर्ड वाले भी इसी तरह, यूपी बोर्ड का हो गया या फिर अन्य बोर्ड का हो गया, इसी तरह भी क्राइटेरिया बनाई जाएगी CBSE के आधार पर ही दोस्तों, क्योंकि सारे पैटर्न CBSE पे हो गए हैं, तो आप यूपी बोर्ड के हों चाहे जिस बोर्ड के हों सबके लिए सेम इन्फॉर्मेशन होगा दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सारे बच्चों के पास पहुँचाइए दोस्तों, उनके माता पिता उनके भाई बहन अगर देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों अपने रिलेटिव के पास। धन्यवाद मित्रों।